बिस्मिल्लाह दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में हमारी आने की रीज़न ये है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं नाश्ते डायनासोर्स। ठीक है जी, ये नाश्ते डायनासोर्स जो हैं बेसिकली ये एक पहाड़ के ऊपर एक रेस्टोरेंट है। नाम अभी रिवील नहीं करेंगे, नाम आपको वीडियो में दिखाएंगे। हमें यहाँ पे इन्वाइट किया है जी डॉक्टर आमना ने। जी आ जाइए आप यहाँ पे। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत मशहूर ब्लॉगर हैं और बड़ी मुश्किल से टाइम दिया उन्होंने मुझे। तो आज जो है आपने पहाड़ के ऊपर ये जो डायनासोर नाश्ते डायनासोर जो आपने डिस्कवर करे हैं, तो ये अभी चल के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इनसे तफसील से बात करेंगे। तो फिर आओ मेरे साथ चले नाल, आओ मेरे नाल। ये हम लोग आ चुके हैं इस टाइम पे, ये रेस्टोरेंट है और हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर खाने की तरफ। खाने की तरफ मतलब रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं और आपको इसका थीम दिखाएंगे। सारा थीम जो है वो डायनासोर्स के ऊपर बेस करता हुआ है, और आपको भी अंदर जाके दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल रही हैं और यहाँ आपको क्यों आना चाहिए। आज हारिस जी, हारिस कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है, डायनासोर की दुनिया। डायनासोर की दुनिया अच्छी लग रही है। ये हेयर स्टाइल कौन सा आपका? राधे मोहन वाला है? नहीं, राधे मोहन फायदा भी है। ये किसने फूल दिया आपको? आपको कैसा लग रहा है? आपको डायनासोर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, खुश हैं आप? बहुत बहुत ज़्यादा। आंखों में आंसू आ रहे हैं क्या? देखिए जी, ये सारा ये बेस है और अभी हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे या यहाँ से ऊपर जाएंगे, कुछ एक तो काम होने वाला है जी। हम लोग आ गए, अभी हम लोग यहाँ पे अपना खाने का ऑर्डर देने लगे और फिर हम बताएंगे आपको कि खाने में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा ये पहले ही बता दूँ थोड़ा सा आप लोगों को कि खाना यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा महंगा है ज़रा ना, ये बात बतानी ज़रूरी होती है शुरू से ही, ताकि बाद में आप लोग बोलेंगे वो रेस्टोरेंट भेज दिया था और सस्ता नहीं था। तो ये बता दूँगा भाई, ज़रा महंगा काम है यहाँ पर, तो मैं बाकी रेट सारे रिवील एंड में कर दूँगा। अच्छा जी बताइए क्या क्या खिला रहे हैं फिर? जो आप लोग खाना चाहें, जो आप लोग खाना चाहें। अच्छा जी ये यहाँ का ये बता रहे हैं कि मैं तो देखें वैसे खाता हूँ शाशलिक चौक से ना, और आप लोग क्या क्या आप लोगों ने ट्राई किया यहाँ पे, जो ऐसे लोग कोई यहाँ पर आए तो क्या खाए? वैसे इनका देसी भी अच्छा है, देसी मैंने ट्राई किया हुआ है। सही है, इसके अलावा चाइनीज़ भी है, ट्राई कर सकते हैं, चाइनीज़ भी अच्छा है, और बाकी भी चीज़ें इनके पास सारी हैं जो भी आप। सही है, आपके चैनल का क्या नाम है? फैमिली लॉक टॉक। लॉक बड़ा बर्गर किस्म का नाम है आपके चैनल का। इनके चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दीजिए, लिंक डाल देंगे आपके, ये डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जी। फैमिली लॉक टॉक, देखे ना मैंने उनको शाशलिक का ऑर्डर दे दिया है। बॉस कितनी देर में आएगा? 20 मिनट में लेके मैं। सही है जी, ये लड़का देखें गौर से देख लें, जब आप यहाँ पर आएंगे ये लड़का आपको मिलेगा जी। हम लोगों ने अभी खाना ऑर्डर कर दिया, अभी खाना आता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ी सी लाइट कम है वहाँ पे ज़रा, लेकिन रेस्टोरेंट और जो यहाँ पे इसका एम्बियंस है वो बड़ा ज़बरदस्त है। खाने का टेस्ट आप लोगों को दिखाते हैं चल के, और आप लोगों को रेस्टोरेंट भी दिखाता हूँ। आ जाओ फिर। जगह बदल दी हम लोगों ने, रोशनी कम थी ऊपर, वीडियो सही नहीं बन रही थी। यहाँ बैठेंगे, यहाँ ये जगह सही है, यहाँ पे ज़रा रोशनी भी है, इसका इसको ज़रा उजाला कर दें। उन्होंने बॉक्सेस रखे हैं, सब में अलग अलग किस्म के खजाना है। ये देखें फुल जो है ना, बच्चे यहाँ बैठ गए, अभी हम यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे, क्योंकि ऊपर जो है ना ये वाला माहौल नहीं था वो। आज वो आगे वो डॉक्टर आमना जो है अभी सोच रही है कि मैं क्या बोलूँ, मैं आपको इतनी देर बोल के दिखाया था। ये देखिए ये आ गया मेरा चिकन शाशलिक विद राइस, ये बैठे हुए हैं हमारे भाई, ये बच्चा गोद में, और ये आ चुका है, ये क्या है? किड्स प्लेटर है। ओह माय गॉड कैसे लग रहा है तुम्हें? नाइस नाइस। ये देखें जी, ये तो फ्राइज है, मैं ले लेता हूँ फ्राइज। ठीक है जी, और यहाँ है जी ये बर्गर, और ये है पास्ता, और ये आई थिंक स्टेक।
तो अभी खाते हैं और इसके बाद आपको देते हैं इसका फूड रिव्यू। ओके हाँ जी, देखें अब ये हम चेक करते हैं, तो दिखाना ज़रा मुझे भाई, चेक कराओ मैं देखूँ कि टेस्ट और फूड क्वालिटी क्या है। सही है भाई, ये देखें जी, ये हमने उठा लिया, ये देखें अब ये हमारे फूड ब्लॉगर साहब जो है वो फूड क्वालिटी बताएंगे। अच्छा जी, अभी हम लोग खाने लगे हैं यहाँ पे। ये है मटन कढ़ाई और ये है शाशलिक और ये है डॉक्टर आमना की कढ़ाई। तो डॉक्टर आमना इन्होंने बड़ा इसरार किया कि आप शाशलिक थे पहले ना, कि इनको लग रहा था कि शाशलिक खाने के बाद मैं कुछ और नहीं खाऊंगा, फूट पड़ूंगा मैं उसके ऊपर। तो ये अभी हम देखें, ये रहा वो निवाला, देखें आप ये इसको ऐसे पकड़ना है आपने, मज़ा आ गया, मज़ेदार। आप लोग मनाल गए होंगे, मैं ये किसी के वो नहीं करता, लेकिन इनका खाना जो है ना, ये जो इनका जो है क्या है डायनो, ये समझ लें न्यू मनाल है ये, लेकिन सारी जो थीम है ना इनकी, ये डायनासोर के ऊपर रखी गई है। लेकिन खाना मैं बताऊँ आपको, मैंने इस्लामाबाद में इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया। मैं पहले भी इस्लामाबाद आया हूँ, लेकिन ये खाना वाकई है बहुत अच्छा है और मज़ा आया। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। और आई बस चाशनी खाता हूँ अभी। मैंने ये भी ट्राई करा है, मैंने स्टेक भी ट्राई किया है, मैंने पास्ता भी ट्राई किया है, मैंने बर्गर भी ट्राई किया, सारी चीज़ें कमाल हैं, है ना भाई? ऐसा ही है ना, खाओ फिर जम के खाओ, रुकना नहीं है। टिशू भी दीजिएगा डॉक्टर आमना का रिव्यू। ये देखिए जी, आज आपको सही जो रिव्यू है ना, ये देखिए जी। हाँ जी हाँ जी, कमाल हो गया। आई एम मटन लवर, और मतलब मैं सुबह दोपहर शाम सब टाइम में मटन खा सकती हूँ, बहुत आसानी से खा सकती हूँ, एंड आई जस्ट लव इट। हाँ, बीफ मटन मुझे बेसिकली रेड मीट सबसे ज़्यादा पसंद है, एंड दिस इज द वन। अब आप बनाएंगे? वाह जी वाह जी, क्या बात है, मज़ा आ गया। शाशलिक इनका बड़ा ही बैलेंस है भाई ना, मैं कहीं जाता हूँ ना, कभी कभी बहुत मीठा हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल एक अजीब सा टेस्ट आ जाता है, लगता है पता नहीं सारी सॉसेज में एक साथ लड़ गई अंदर, लेकिन ये बड़ा एक बैलेंस शाशलिक है, क्योंकि मैं शाशलिक खुद ही बनाना जानता हूँ, तो मुझे पता है कि बड़ा ही ज़बरदस्त काम है ये। तो शाशलिक के पास है, खाना ही पास है, खाना थोड़ा सा महंगा है ये बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ का जो एम्बियांस है और ये जो सारा उन्होंने माहौल बनाया हुआ है, जो थीम बनाई हुई है, सारे पैसे इसके हैं, लेकिन खाना भी बहुत अच्छा है। आप जब भी आए तो यहाँ पे आके खा सकते हैं, मैं पैसे बता दूंगा आपको एंड में कितने। बारिश होगी और सब जो है ना इंडोर चले गए अंदर, वहाँ बारिश हो रही है, ये देखें फुल माहौल। अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे आउटडोर बैठने की जगह है, और ये जो है ना सारा ये बच्चों का पूरा डायनो थीम के ऊपर बना हुआ है, ये आपको भी दिखाते हैं। लोगों ने खा लिया, खाना बड़ा बेहतरीन था, और ये इनको ओपन किचन पीछे नज़र आ रहा है आप लोगों को, बड़ा ही ज़बरदस्त काम है। और हमने सोचा था कि आप लोगों को डायनो वैली दिखाएंगे, लेकिन डायनो वैली वाला सीन जो है ना वो आउट हो गया बारिश की वजह से, काम हो गया ख़राब, और अब हम आप लोगों को बस यहाँ से अलविदा कहेंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे। तो आ जाए फिर वीडियो को एंड करते हैं चल के और फिर निकलते हैं यहाँ से। आप लोग जब नीचे आते हैं ना, नीचे अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं नीचे यहाँ पे ना, और ये भाई जो है ना ऊपर लेके आते हैं फिर, है भाई ऐसा ही है जी सर। कितने चक्कर लगा लेते हो रोज? काफ़ी होते हैं सर, तकरीबन काउंट नहीं किया सर कभी, 30-40। जैसे ही कस्टमर आता है तो हम उन्हें ले 40-50 चक्कर लग जाते हैं। नहीं सर, इससे ज़्यादा। ज़्यादा? ये इलेक्ट्रिक है? इलेक्ट्रिक है सर। अच्छा, ये एक चार्ज में कितनी चलती है? जी सर तकरीबन 3-1 घंटे। 3 घंटे चलती रहती है? तो इस समय कितनी गाड़ियाँ रखी हुई हैं आप लोगों ने? तकरीबन 7-1 हैं। 7-1 हैं? हाँ जी। और सबसे ज़्यादा रश किस दिन होता है? ब्रंच वाले दिन। अच्छा, संडे ब्रंच में। संडे ब्रंच में, कल मॉर्निंग में जी। अच्छा, वो कितने बजे शुरू होता है? क्या टाइम हो? 11 बजे तकरीबन। 11 बजे से शुरू होता है, फिर 3:30 बजे तक। 3 बजे तक उसमें अनलिमिटेड जी, जितना मर्जी खाएं जी। कभी आपने खाया? नहीं सर, हमारे लिए आ जाता है कैफे में। आ जाता है जाएंगे हम। और आप देख रहे हैं क्या माहौल बना हुआ है, फुल बारिश होकर अभी हटी है। अच्छा, यही रास्ता आप लोगों को लेके ना आगे
जाता है मरी की तरफ, हरिपुर की तरफ भी ये। और आते हैं हम लोग जो मुनाल, आप लोग आते हैं ना इस्लामाबाद से तो आगे आते हैं तो ये मुनाल न्यू मुनाल के नाम से है। बेसिकली इसको बोलते हैं डायनो कुछ कर गया, बताता हूँ मैं भी, लेकिन ये आता केपी के अंदर है, बिल्कुल इस्लामाबाद और पंजाब की हदूद यहाँ ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, ये था आपका समझ लें न्यू मुनाल रेस्टोरेंट, जो कि सारा एक डायनासोर थीम पे बना हुआ है। डायनासोर थीम हम लोगों ने आप लोगों को दिखानी चाहिए, लेकिन आज क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी तो हम वो उस सेक्शन तक पहुंच नहीं सके। तो बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया और इतना अच्छा खाना खिलाया। खाना भाई अलबत्ता ये बता दूँ कि खाना बहुत अच्छा था, लेकिन खाना थोड़ा महंगा था समझ लो। अगर आपको शहर में कोई चीज़ 500 की मिल रही है तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये की मिलेगी, लेकिन क्योंकि ये थीम इन्होंने जो सारी बनाई हुई है वो बहुत अच्छी बनाई है। ओवरऑल रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। अगर खाने की बात करें, एम्बियंस की बात करें, चीज़ों की बात करें तो सारी कमाल है, बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो आप क्या कहेंगी फिर हमारे व्यूअर्स के लिए? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट की, आप आए, हमें ये बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा आएंगे और हम दोबारा आपको ला के ना पूरी डायनो वैल्यू दिखाएंगे इंशाल्लाह। और प्लीज़ आप लोग कनेक्टेड रहिए। और आपके क्या चैनल का नाम बताया दोबारा? हाँ जी, मेरे चैनल का नाम है फैमिली लॉक टॉक, जिसका कार्ड आप पहले देख चुके हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं सोच रही हूँ कि इनफैक्ट चेंज कर दूँ, क्या कहते हैं? हाँ, नाम कोई आसान कर दें ताकि लोगों के जबान पे फौरन नाम चढ़ जाए, जहाँ आपको देखें बोलेंगे वो फला। लेकिन इंशाल्लाह देखिए, ये मेरे उस्ताद हैं और मैं इनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी और इंटरटेनिंग व्लॉग्स आपको इस्लामाबाद सिटी के हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेंगे। इनके साथ और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। डू सब्सक्राइब टू देयर चैनल एंड माई चैनल ऑल्सो। इनके चैनल को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अपना ख्याल रखें बहुत। अल्लाह।